हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज SC वर्मा का चैप्टर नंबर 2, फिजिक्स एंड मेजरमेंट का एक्सरसाइज कर रहे हैं। जिन बच्चों ने लेक्चर पहली बार देख रहे हो, तो इससे पहले मैं ऑलरेडी आपको पूरी थ्योरी पढ़ा चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सारे एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ऑब्जेक्टिव वन, ऑब्जेक्टिव टू, क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर, वो हम सब कर चुके हैं, है ना। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो वो लेक्चर्स देख लो। अगर आपको ऑलरेडी थ्योरी आती है तो फिर ये देख लो, ठीक है। तो एक्सरसाइज देखते हैं हम, आराम आराम से एक ही क्वेश्चन करेंगे, जल्दीबाजी कुछ नहीं है अपने को, है ना। मेरी थोड़ी आदत है, मैं जल्दी जल्दी बोलना चालू कर देता हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा, बिकॉज हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो हम आराम आराम से चीज़ों को करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए वेक्टर ए मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री एंड बी मेक्स एन एंगल ऑफ 110 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये जो वेक्टर ए है, इसका एंगल कितना है? 20 डिग्री, ये ए है वेक्टर। और 110 डिग्री कहाँ होगा? 90 प्लस 20, तो ये क्या होगा? ये ऐसा होगा बी, और ये तो 90 हो गया, तो ये एंगल वापस से 20 डिग्री रहेगा और ये बन जाएगा बी, है ना। ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि ए वेक्टर है ये, बी वेक्टर है, ये 20 डिग्री क्यों है? बिकॉज ये जो टोटल है ये 110 है, तो ये 90 ऑलरेडी होता है, तो ये कितना बन गया? 20। मतलब हमको ये चीज़ भी क्लियर हो गई कि इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री का एंगल है, बिकॉज ये भी 20 डिग्री उठा हुआ है, ये यहाँ से 20 डिग्री उठा हुआ है। द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वैक्टर्स आर 3 एंड 4 मीटर्स रेस्पेक्टिवली। तो ये कितना है? 3 मीटर्स है, और ये कितना है? 4 मीटर्स है। तो इसका रिजल्टेंट हमको निकालना है। तो मैंने बताया था वेक्टर्स को सवाल सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, या तो तुम अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, या फिर तुम आई कैप और जे कैप में करके कर लो। आगे जब भी हम ग्राफिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी कर सकते हो। आगे जब हम पढ़ेंगे काइनामेटिक्स भी, और जो भी हम इन सवालों को करने वाले हैं, हम तीनों मेथड में से कौन सा बेस्ट मेथड रहेगा वो हमको चूज करके सवाल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तीन मेथड कौन कौन से हो गए? एक तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, दूसरा क्या हो गया? आई कैप और जे कैप, और तीसरा कौन सा हो गया? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इसके अंदर हम कौन सा यूज करेंगे मेथड? एक्चुअली इसके अंदर हम यूज करेंगे, देखो अगर मैं इसको आई कैप और जे कैप में करूंगा तो मुझको इसका कॉस का आई कैप बना 3 का कॉस के साथ बनाना पड़ेगा, cos 20 मुझको बतानी है, sin 20, तो आई कैप जे कैप भूल जाते हैं अपन। हाँ, मुझे ये पता है कि ये 3 और ये 4 है और 90 डिग्री पे है, तो इसलिए मेरे को बहुत आसान होता है करना। अगर मैं इन दोनों का एडिशन करूंगा तो मुझे पता है कि दो वेक्टर्स अगर 90 डिग्री पे होंगे, ये 3 है और ये 4 है, तो इसका रिजल्टेंट ऐसा कुछ होगा, मतलब कहीं भी मान लो ऐसा कुछ होगा, और ऐसा कुछ होगा तो उसके अंदर ये जो एंगल होगा, क्योंकि ये 4 जो है वो इस तरफ लेंगे अपन 4 को, है ना, तो ये जो एंगल होगा 4 के अपोजिट है, मतलब ये 53 डिग्री होगा, और इसका जो आंसर है वो कितना होगा? 5 होगा। तो 3 और 4 का जो ट्राइंगल बनता है 90 डिग्री पे, तो इसको तो उठा, ये तो पता ही आपको, इसको उठा के मैं इधर रख देता हूँ कैलकुलेट करने के लिए, ट्राइंगल लगाने के लिए, तो इसको उठा के यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये 3 और 4 है तो 5 आंसर आएगा, क्योंकि 4 के अपोजिट 37 नहीं आएगा, इसलिए 53 आएगा, ठीक है ना। तो बस ये सवाल हो चुका है, अब इसमें कुछ नहीं करना, और हो चुका है ये सवाल। इसका भी जो रिजल्टेंट आएगा वो कहीं तो इस तरफ आएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 5, और ये वाला एंगल कितना है? ये एंगल 53 डिग्री है, किसके साथ? 3 वाले के साथ, कितना है? 53। तो टोटल एंगल कितना बन गया? 20 प्लस 53, मतलब हमारा आंसर क्या आ गया? आंसर इज 5 मीटर्स एट एन एंगल ऑफ 73 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। 73 डिग्री बोला और कुछ नहीं दे रखा, मतलब ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हमको पूछा गया है। तो इसमें कॉस आई कैप और जे कैप करके इसको मैंने तोड़ के क्यों नहीं करा? बिकॉज क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो अपन को फिजिक्स में ये भी देखना पड़ेगा साथ साथ कि क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो कौन सा है, क्या है एग्जैक्टली, है ना, तो वो भी अपन को देखना पड़ेगा। तो फिजिक्स में थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, कर लोगे काम, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, तो आंसर देख लेता हूँ। पीछे 5 मीटर एट 73 डिग्री विद द एक्स एक्सिस आंसर दे रखा है। मैंने चालू तो कर दिया था ना वीडियो, क्योंकि कभी कभी होता है मैं चालू करना भूल जाता हूँ, ऐसे मैं 2-3 बार कर चुका हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। लेट ए एंड बी बी द टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड टैंड ईच, तो दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? 10 है, याद रख लेना। इफ दे आर इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस एट एन एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, फाइंड द रिजल्टेंट। अब इसको तुम दोनों तरह से कर सकते हो, तो ए एंगल ऐसा है, ए वेक्टर, और बी वेक्टर ऐसा है। ये वैसे मैंने एग्जाम्पल में करवा दिया था जब मैं थ्योरी करवा रहा था, ऐसा ही एक सवाल ले लिया था मैंने, ये 60 डिग्री है। अब उनको एक और चीज पता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड 10 है, तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब दोनों का मैग्नीट्यूड 10 होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो जो वेक्टर होता है वो इसके बाईसेक्टर से पास कर रहा होता है, बाईसेक्टर से मतलब ऐसे जाएगा वेक्टर,
और ये एंगल कितना बन जाएगा 45 डिग्री, मतलब ये तो हमको पता है कि इस वेक्टर का जो एंगल बन जाएगा कितना बन जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में कितना है 40, 30 और 60 के बीच में कितना आता है 45 डिग्री आता है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है 2a 2 इंटू 10 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाय 2, मेरा थीटा इज द एंगल बिटवीन द वैक्टर्स, तो एंगल बिटवीन द वैक्टर्स कितना है 30 और 60 के बीच में एंगल कितना हो गया 30 डिग्रीज, तो 2 इंटू 10 इंटू कॉस ऑफ 15। अब कॉस ऑफ 15 का वैल्यू इसमें नहीं दे रखा, पीछे भी आंसर 20 इंटू कॉस 15 दे रखा है एट एन एंगल ऑफ 45। ये इसका तरीका नंबर वन है। तरीका नंबर टू समझ में आया ना तरीका, ये एस सी वर्मा के पीछे जब तुम देखोगे, अगर तुमने थ्योरी पढ़ी है तो हम कर चुके हैं कि ऑलरेडी जो दो वेक्टर्स होते हैं जिसके बीच में एंगल थीटा होता है उनका आंसर होता है 2 इंटू a इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। और याद भी नहीं रहेगा क्योंकि मुझे याद रहता नहीं है, तो मैं दिमाग में करता हूँ फटाफट से चीज़ों को। देखो कैसे करता हूँ मैं, कि अगर मैं इसका तो दूसरा तरीका बता रहा हूँ, तुम इसको आई कैप जे कैप के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जैसे ये वेक्टर 10 का है तो इसका आई कैप कितना बन जाएगा 10 cos 30, इसका वाई में कितना बन जाएगा 10 sin 30, ये तो इस वाले का हो गया। और 60 डिग्री वाले को अलग से बना देते हैं, तो 60 डिग्री वाले का कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 10 cos 60 और ये बन जाएगा 10 sin 60। हमें को चार वेक्टर्स ऐड करने हैं, एक ये, एक ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है और ये इस तरफ है। तो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल को एक साथ ऐड करेंगे, वर्टिकल वर्टिकल को एक साथ ऐड करेंगे, है ना। देखो क्या बन जाएगा, 10 cos 60 plus 10 cos 30 आई कैप और 10 sin 60 plus 10 sin 30 आई जे कैप। तो तुम देखोगे सब चीज सेम, तो मतलब क्या बन गया, देखो 10 cos 60 plus 10 cos 30 आई कैप में प्लस ये सेम चीज जे कैप में बनेगी, ये सेम चीज क्यों बनेगी, सॉरी क्योंकि साइन 60 जो होता है वो कॉस ऑफ 30 होता है और साइन 30 जो होता है वो कॉस ऑफ 60 होता है, तो सेम ही चीज जे कैप में बन जाएगी। इसका मतलब जो वेक्टर का आई कंपोनेंट है और जे कंपोनेंट है वो बराबर है, और जब भी बराबर होता है तो एंगल कितना होता है 45 डिग्री का होता है, तो एक तो ये आंसर आ गया 45 डिग्री का। अब बच्चा क्या मैग्नीट्यूड निकालना है, तो कोई भी वैक्टर होता है ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ए आई कैप प्लस ए जे कैप जिसमें दोनों बराबर होंगे उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है √2 into a आंसर होगा। तो इसमें वो ए क्या है 10 cos 60 plus 10 cos 30, मतलब वो ए क्या है इसके अंदर, ए है 10 कॉमन निकाल लो, cos 60 क्या होता है हाफ प्लस cos 30 कितना होता है √3/2, तो ये बन जाएगा 5 into √3+1। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना बन जाएगा, मैग्नीट्यूड √2 आएगा ना, तो ये कितना बन जाएगा 5 √2 into √3+1। अब तो बोलोगे सर आंसर में तो cos 15 20 cos 15 दे रखा है, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि इसी चीज़ की जो वैल्यू होती है वो 20 cos 15 होती है। तो तुम ये काम भी कर सकते हो कि वेक्टर्स को अपन ने यूज़ कर लिया cos ऑफ 15 निकालने के लिए, वैसे तो अपन cos 30 यूज़ करते हैं 2 थीटा वाला फॉर्मूला, बट तुमने वैक्टर्स को cos 15 निकालने के लिए एक तरह से यूज़ कर लिया, मतलब ये एक और तरीका अपन बोल सकते हैं, ठीक है ना। चले अच्छा, किसी को अगर बच्चे को cos 15 निकालने नहीं आता तो वो भी मैं सिखा देता हूँ वो कैसे करते हैं। कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, और उसको याद कैसे करते हैं वो भी सिखा देता हूँ। कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 minus 2 cos² θ/2, ये होता है कि वो होता है, हाँ सॉरी ये याद नहीं रखेंगे अपन, याद रखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉस 2 थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा को एज इट इज रहने दो, माइनस साइन को मैं लिख सकता हूँ 1 minus cos² θ, तो ये क्या बन गया, देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस वन माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाता है 2 cos² θ - 1, तो cos 2 थीटा। तो जैसे अगर मुझे cos ऑफ 15 निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा cos ऑफ 15, तो cos ऑफ थीटा को अपन 15 डिग्री मान लेंगे, तो ये बन गया cos ऑफ 30 इज इक्वल टू 2 into cos² 15 - 1, तो cos 30 कितना होता है 0 1/√3/2 इधर लिया इसको प्लस वन कर दो अपॉन टू कर दो अंडर रूट लगा दो, ये अपने पास कॉस ऑफ 15 आएगा। पता नहीं आएगा या नहीं, नहीं आएगा तो नाक कट जाएगी मेरी फालतू में, है ना। चलो देखते हैं आ रहा है या नहीं आ रहा, देखते हैं। तो ये तो बन गया √3+2, 2 2 4 बन जाएगा, तो बाहर ले लो 2 को, अंदर आ जाएगा √√3+2, ये मेरे पास कॉस 15 है, और वहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है कि 20 into cos 15 इज इक्वल टू 5 √2 into √3+1, मतलब मेरे पास क्या आ रहा है, वहाँ से मेरे पास आ रहा है cos 15 इज इक्वल टू
फाइव रूट टू को अपन 20 करेंगे तो बन जाएगा रूट टू अपॉन फोर, रूट टू अपॉन फोर, रूट टू अपॉन फोर इंटू रूट ऑफ 3 प्लस 1। तो हो सकता है तुम ये मैं है ना क्वेश्चन हो गया है अपना, तुम आगे बढ़ सकते हो अगर तुमको इस चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा। तो मैं ऐसे देख रहा हूँ कि कॉस 15 की वैल्यू जो होती है इसके बराबर होती है या नहीं होती है। तो तुम बोलोगे सर ये तो चीज अलग है और ये चीज अलग है, तो बेसिकली ये रूट के अंदर है ना, ये रूट के अंदर नहीं है। तो इसको अपन स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं इस पूरी चीज को। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट ऑफ 3 प्लस 2 को इसको मैं लिख सकता हूँ, भैया इसको मैं लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर तो करना पड़ेगा है ना, तभी आया होगा +2√3/2। देखो लिख सकता हूँ ना 1 प्लस √3 का स्क्वायर कितना बन गया, 1 प्लस 4 मतलब 4 बन गया, तो 2 आ जाएगा, और 2 प्लस √3 का 2। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, इस पूरी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। और ये चीज क्या बन गया, किसका स्क्वायर बन गया, 1 प्लस √3 का स्क्वायर बन गया। तो ये क्या आ रहा है मेरे पास, देखो ये आ रहा है मेरे पास 1/2 तो बाहर था, और इस पूरी चीज को मैंने लिखा था हाफ ऑफ √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, समझ रहे हो। तो हाफ का तो 2√2 बाहर निकलेगा, मतलब ये क्या बन जाएगा 1/2√2 इंटू रूट ऑफ 3 प्लस 1, ऐसा है क्या अपने पास। हाँ अपने पास ऐसा ही है, √3 प्लस 1 यहाँ पे, और इसको इससे कैंसिल करोगे तो 2√2 आ जाएगा, है ना। तो बच्चों मैं वही बोल रहा हूँ, दिखने में चीजें अलग लग रही है, कॉस 15 की वैल्यू जरूरत भी नहीं है याद करना, क्योंकि फिजिक्स में हम लोग नहीं, नीट में भी नहीं बोलेंगे, IIT एडवांस में भी नहीं बोलेंगे कि कॉस 15 की वैल्यू तुमको याद होनी चाहिए। तुमको बस ये याद रखना है कि मैं वहां तक पहुंच जाऊं। तो ये सब बस बताने के लिए मैंने करा, जिनको कॉस 15 निकालना नहीं आता अगर जरूरत पड़ जाए तो निकाल सकते हो। फिर यहां मैंने प्रूफ करा है कि जो अपना कॉस 15 आ रहा था अपन ने जो दूसरे तरह से करा था आई कैप और जे कैप मान के, उससे जो आंसर और पीछे दिया हुआ आंसर सेम है, तो ये बताने के लिए और मैंने इसको बराबर कर दिया था। तो यही अपनी चीज है ना। तो जो बोलते हैं फिजिक्स में एक सवाल दो तीन तरह से हो सकता है, वही दो तीन तरह हैं बेसिकली जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, कि ऐसे भी कर सकते हो वैसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। 3 वेक्टर्स हैं ए बी सी, हर एक का मैग्नीट्यूड है 100, 45 डिग्री, 45 मतलब यहाँ पे होगा, दूसरा 135, 135 मतलब 90 प्लस 45 मतलब ये ऐसे होगा, यहाँ से 45 बना रहा हूँ मैं, समझ रहे हो, क्योंकि ये पूरा कितना है 135। तीसरा के 315, 315 कितना होता है, 360 में से 45 माइनस कर देते हैं, 360 में से 45 माइनस करेंगे 315 आएगा, तो ये बन गया 45 डिग्री नीचे की तरफ। तो ये 3 वेक्टर है मेरे पास, इनका वो निकालना है मुझे, सबका मैग्नीट्यूड 100 है। तो यार मुझे एक चीज बताओ, तुमको दिख नहीं रहा क्या कि अब 45 है तो एग्जैक्टली बीचों बीच आ रहा है, तो ये जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर है ये एक दूसरे का अपोजिट है, और अपोजिट है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे ये दोनों, है ना। तो अपने पास क्या बच जाएगा, ये वाला वेक्टर बच जाएगा। तो अपने पास क्या बच गया, अपने पास ए बच गया, मतलब अपने पास क्या बच गया, 45 डिग्री पे इंक्लाइंडेड वेक्टर 100 यूनिट्स का अपने पास बच गया। कितना सिंपल प्रॉब्लम है, इसमें कुछ करना भी नहीं है तुमको, ठीक है ना। तो मैंने वही बोला, किसी किसी प्रॉब्लम में अपन को अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी नहीं लगाना पड़ता, आई कैप जे कैप भी नहीं लगाना पड़ता, ग्राफिकली, ग्राफिकली मतलब फिगर, फिगरेटिवली फिगर बना के ही हम सवालों को सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सवाल है ना। अब तुम करने बैठते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई कैप जे कैप वो सब नहीं करना, सिंपल है, बहुत ही सिंपल सवाल है। फोर देखते हैं, ए दे रखा है, बी दे रखा है, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना है 5, बी का कितना है 5, ए प्लस बी का कितना होगा, देखो 4 प्लस 3 करोगे तो 7, 4 प्लस 3 करोगे तो 7, तो 7√2। ए माइनस बी का कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3 होगा 1, और 3 माइनस 4 होगा -1। तो आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है √2, आई कैप माइनस जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर, तो रूट ऑफ 2, सारे आंसर सही है, अपने सारे आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रिफर टू फिगर 2E1। तो अपन शायद इसको पूरा नहीं करेंगे इस लेक्चर के अंदर, मैं 35 सवाल नहीं करूंगा, 19 सवाल वेक्टर्स के हैं, उसके बाद कैलकुलस चालू होगा, तो मैं इसमें 19 सवाल तक करूंगा, अगर होगा तो पूरा बना दूंगा लेक्चर, डिपेंड करता है टाइम कितना लेगा वो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, मैग्नीट्यूड बताना है, एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स बताने हैं, एंगल विद द एक्स एक्सिस बताना है, किसका रिजल्टेंट ऑफ ओ ए बी सी और डी। तो बेसिकली ओ ए बी सी और डी 3 वेक्टर्स हैं, इसका रिजल्टेंट निकालना है सबसे पहले, उसके बाद बताएंगे मैग्नीट्यूड, एक्स और वाई कंपोनेंट और एंगल बताएंगे। तो 3 वेक्टर दे रखे हैं अपन को, 3 वेक्टर कौन से, ये ए है, ये 30 डिग्री है, दूसरा वेक्टर क्या है, ये नीचे की तरफ है ई, और ये लेंथ कितना है 1 मीटर,
इसका लेंथ है 2 मीटर्स, ये 90 डिग्री है, और तीसरा वेक्टर क्या है इस तरफ है 60 डिग्री एंगल पे, 1.5 मीटर। तो देखो मैं बताने की, अब इसमें क्या लगाओगे, इसमें तुम ग्राफिकली भी कर सकते हो। ग्राफिकली करने के लिए क्या करो, इसको उठा के यहाँ रख दो, फिर इसको नीचे ले आओ, तो वैसे भी कर सकते हो, देखेंगे अपन कर पा रहे हैं कि नहीं। दूसरा मेथड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाने वाला। अच्छा वो क्यों नहीं करोगे, पहली बात तो 3 वेक्टर से इसलिए नहीं करोगे, दूसरी बात इसको यहाँ लेके आओगे लगाओगे, उससे जो वेक्टर निकलेगा उसका एंगल फिर इसके साथ क्या होगा वो निकालने में बड़ी दिक्कत होगी, है ना। तो जब भी ऐसे 4-5 वेक्टर दे रखे हो, 3 भी दे रखे हो, तो हमेशा कोशिश ये करा करो कि हर एक को एक्स और वाई में ब्रेक कर दो। तो इसको अगर मैं एक्स और वाई में ब्रेक करूंगा तो देखो ये क्या बन जाएगा, 2 cos 30। cos 30 कितना होता है, √3/2, मतलब ये √3 बन गया, और ये बन जाएगा 2 sin 30, मतलब 1 बन जाएगा। ये कैलकुलेट कर लेना, ये 3/2 लिख रहा हूँ इसको मैं, थोड़ा सा आसान रहता है। ये 3/2 cos 30 बनेगा, इस तरफ कितना बन जाएगा, ये 3/2 cos 60। cos 60 कितना होता है, 1/2, तो ये बन जाएगा 3/4। बड़ा गंदा प्रॉब्लम है ये तो, ये ऊपर की तरफ है तो sin 60, तो sin 60 कितना होता है, √3/2। तो ये क्या बन जाएगा, 3/2 × √3/2, मतलब 3√3/4, और एक वैक्टर नीचे की तरफ है 1। तो मेरे पास 3 वेक्टर नहीं है, मैंने वेक्टर तो बढ़ा दिया अपने, मेरे पास कौन कौन से वेक्टर होगा, एक तो √3 हो गया इस तरफ 3/4 हो गया, ये तो हॉरिजॉन्टल के वेक्टर्स हैं, और परपेंडिकुलर वाले वर्टिकल वाले कौन से होगा, एक तो ये है 1 मीटर नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ 1 है, तो ये कैंसिल कर जाएंगे एक दूसरे को, प्लस एक 3√3/4 है ऊपर की तरफ। लिखना चाहो तो आई कैप जे कैप लिखो, नहीं तो जरूरत भी नहीं होती लिखने की, है ना, उसको ऐसे ही देख लिया करो। तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये बड़ा गंदा आ रहा है इसका तो आंसर ही, हाँ फिफ्थ वाले को पॉइंट में बता रहे हैं ये, हाँ सही बताना ही पड़ेगा। एक बार मैं देख लेता हूँ, मैंने कैलकुलेशन तो सही किया ना, ये 3/2 है, 1.5, तो इसका 60 डिग्री पे होगा कॉस ऑफ 60, कॉस ऑफ 60 कितना होता है, 1/2, तो 3/4, और साइन ऑफ 60 कितना होता है, √3/2, 3/2 × √3/2, कॉस ऑफ 30 कितना होता है, √3/2, तो √3/2 × 2, 2, और ये 1, ये तो ठीक है, ये 1 ठीक है ना, ये तो कैंसिल हो गया, तो वर्टिकल में क्या बच गया 3√3/4, हॉरिजॉन्टल में क्या बच गया √3 − 3/4, √3 बड़ा होता है 3/4 से, है ना। तो अपने पास आंसर क्या आ गया वेक्टर का, वेक्टर ऐसा आएगा अपने पास नेट, जिसका इस तरफ जो कंपोनेंट है वो कितना है √3 − 3/4, और ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट है वो कितना है 3√3/4, ये अपने पास नेट वेक्टर आ गया। इसका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ पूरे को। तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, इसका रिजल्टेंट निकालोगे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना होगा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यार ये, मेरे को समझ नहीं आ रहा इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करा हुआ है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, यार ये देना नहीं चाहिए ऐसा गंदा सवाल, क्लास में मैं देता हूँ तो अच्छे देता हूँ। 1.6 देखो आंसर आएगा कि इसका पता नहीं यार, ये लंबा है सवाल तुम्हें, चलो करते हैं बैठ के थोड़ा सा सॉल्व, शायद कुछ कैंसिल हो जाए। देखें तो √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 3/4 का स्क्वायर कितना होगा 9/16, माइनस 2√3/4 है ना, 2 × प्लस 3√3 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 3 × 9 × 3 = 27/4 = 16, 27/16, और इसका रूट तो है ही साथ में यार, इसको कौन सॉल्व करेगा बैठ के फालतू में। तो कर लेते हैं, तो 16 नीचे लिख लो, तो 16 × 3 = 48 प्लस 9 प्लस 27 माइनस 4 × 4 = 16, 23 × 4 कितना होता है 92 √3, इसका अंडर रूट। ये 23 कैसे है, 2 × 3 है, सॉरी 2 × 3 = 6 है, तो 6 × 4 = 24, 23 नहीं है 24√3 है, ठीक है। अब यार देख लो इसका कितना बन रहा है, तो ये कितना बन जाएगा देखो, 9 × 27 कितना होगा, 9 × 4 = 36, 36 और 48 कितना बन गया, 48 और 36 बन गया 4 × 1 = 1 = 84, तो बन गया 84 − 24√3/16। अब थोड़ा बहुत यहीं पे कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से कट ही जाएगा, 16 से जाता है कि 64, ये नहीं जाएगा तो 4 से ही कैंसिल कर दो, तो बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 12, ये बन जाएगा 6, तो 1/2 बाहर निकाल लो, अंदर क्या आ जाएगा 12 − 6√3,
अब यार ये भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो 6 फुट कितना होगा लगभग, 1.7, 1.7 3 × 6, 6 × 8 करीबन, 7 × 42 3 × 4 करीबन, 6 × 6 10.38 है। 12 में से 10.38 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1. इसको 10.4 मान लो तो 1.6 बच जाएगा। तो 1.6 का रूट है और अंदर 1. नीचे 1/2 है, 1.6 का रूट कितना आएगा, 1.6 का रूट कितना होगा, 2 का रूट कितना होता है, 1.44 होता है, 3 का रूट कितना होता है, 1.69 होता है, तो 3 के आसपास आ जाएगा, तो ये लगभग 3/2 के आसपास बन जाएगा, मतलब कि 1.5 के आसपास अपना आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, 1.6 दे रखा है आंसर, इतनी कैलकुलेशन में तो दिक्कत हुई होगी कुछ ना कुछ ना, ये गलत है, ऐसे देना नहीं चाहिए इनको, और एंगल भी इन्होंने गंदा ही दे रखा है, टेन इनवर्स 1/2, और एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट भी गंदे ही दे रखे हैं, तो ये पता नहीं क्यों दे रखा है फालतू में। तो एक्स कंपोनेंट कितना है इसका, रूट ऑफ 3, मतलब 1.732 माइनस ऑफ 0.75। हाँ केवल ये निकाल लेते हैं, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट निकाल लेते हैं, उसके बाद सब कुछ सही है अपना। तो 1.673 माइनस 0.75 कितना है, 0.98, तो अपना एक्स कंपोनेंट कितना है, 0.98, वाई कंपोनेंट कितना है अपना, 3/4 × 1.73, तो 1.73 × 3/4, तो 4 4 16, 4 3 12, 3 3 9, 4 3 12, तो 1.29, मतलब 1.3, तो 1.3 है क्या और 2.98 है क्या, 1.3 और 0.98 अपने आंसर है, तो उससे अपना एक्स कंपोनेंट भी ठीक है। तो ये एक प्रोसेस हो गया, ये पता नहीं इन्होंने गलत क्यों दे, इतना घटिया कैलकुलेशन क्यों दे रखा है, इसको भूल जाओ, तुम्हारे जो एग्जाम में आएंगे इतने घटिया कैलकुलेशन नहीं आएंगे, ठीक है ना, बट मेरे को करवाना पड़ा बिकॉज नहीं तो तुम बोलते सर करवाया नहीं आपने, तो ये करवा दिया मैंने। अब इससे तुम एंगल भी निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। अब आगे चलते हैं अपन थोड़ा सा, तो ये तो एक तरीका था कि मैंने एक्स और वाई में इसको काट दिया। दूसरा तरीका अपन क्या यूज कर सकते हैं इसके अंदर, यूज कर पाएंगे या नहीं पहले तो वो भी समझना पड़ेगा अपन को। तो अपन ने क्या करा, वापस से बनाया था मैं 3 वेक्टर्स, ये 2 है 30 डिग्री पे, फिर ये 60 डिग्री, यहाँ उठा के रख दो इसको, तो ये 60, अब ये 60 किसके साथ बना रहा था, एक्स एक्सिस के साथ ही 60 बना रहा था, तो ये 60 बना रहा था, और क्योंकि ये ऑल्टरनेट 30 है, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 90, ये कितना है 2 मीटर्स, और ये कितना है 1.5 मीटर्स, कुछ याद आया, ये 2 है और ये 1.5 है, ये 4 और 3 कितने हो गया एक तरह से, ये 4 और 3 की तरह हो गया ना एक तरह से, तो इसका जो समझे में 4 और 3 क्यों हो गया एक तरह से, 4 और 3 क्यों हो गया एक तरह से, क्योंकि 2 2 जा 4 और 1.5 × 2 3, तो अपने पास एक ट्राइंगल बन गया, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा 5, 5 का था मतलब 2.5 आएगा, और किस एंगल पे आएगा, ये छोटा है तो इसका ये एंगल 37 होगा, मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कितना आ गया, 67 डिग्री पे 5/2, तो दो दो वेक्टर तो हट गए, फिर इसको ऐड करेंगे इसके साथ और ऐड कर दो, ये कितना है 1। तो अब यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है कि 2 को अपन ऐड कर सकते थे इसको, मतलब जो अपन ने फॉर्मूला ट्रायंगल लगाया, बट ये 67 का मुझे कॉस साइन नहीं पता, तो अब मुझे इसके रिजोल्यूशन, इसके कंपोनेंट लेने में दिक्कत आएगी, इसलिए मैं क्या करता हूँ कभी कभी वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं करता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर ग्राफिकल फॉर्मूला यूज नहीं करता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते इन दोनों, इन दोनों का, तो अभी तुम क्या पाते कि ये वेक्टर आया मेरे पास 67 डिग्री पे, तो वहां पे वापस से दिक्कत होती। तो कभी कभी हमको सोचना पड़ता है कि हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूज करना है, या ग्राफ यूज करना है, या फिर आई कैप जे कैप यूज करना है। एक्चुअली क्या होगा, आने वाले जो भी क्वेश्चन आएंगे, जो भी चैप्टर्स आने वाले हैं, उसमें जनरली हम आई कैप जे कैप यूज करेंगे, हम वैक्टर्स को एक्स में अलग पढ़ेंगे, वाई में अलग पढ़ेंगे, जो भी टेढ़ा वैक्टर होगा उसको हम एक्स में अलग लेके चलेंगे, वाई में हम अलग लेके चलेंगे, ठीक है ना, जनरली हम वही चीज यूज करते हैं कि रिजोल्व, इसलिए रिजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तुमको एडिशन आता है कि नहीं आता वो मैटर नहीं करता, चाहे तुमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाला फॉर्मूला आता है या नहीं आता वो मैटर नहीं करता ज्यादा फिजिक्स में, फिजिक्स में मैटर करता है कि तुमको हॉरिजॉन्टल ऐड करने आते हैं, अच्छी बात है, वर्टिकल ऐड करने आते हैं, अच्छी बात है, और क्या तुमको इस टेढ़े वेक्टर को रिजॉल्व करना आता है 2 में, तो अच्छी बात है, तो तुम्हारा फिजिक्स हो जाएगा अच्छे से, है ना। सिक्स देखते हैं, तो 3 और 4 यूनिट के 2 वेक्टर है, तो क्या एंगल होना चाहिए उन दोनों के बीच में कि रिजल्टेंट 1 यूनिट हो जाए, तो 180 डिग्री पे होना चाहिए, 180 डिग्री। 5 यूनिट्स करने के लिए क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, और 7 यूनिट्स करने के लिए क्या होना चाहिए, 0 डिग्री, मतलब एक दोनों ऐड होने चाहिए। 7 देखते हैं, ए स्पाई कार रिपोर्ट एज फॉलोज, द कार मूव 2 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट, तो 2 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, इसको ईस्ट मान लेते हैं, इसको नॉर्थ मान लेते हैं, इसको वेस्ट और इसको साउथ, 2 मीटर इस तरफ हो गया, फिर मेड ए परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न,
अब अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ, लेफ्ट टर्न लूंगा तो इस तरफ आऊंगा, मतलब ऊपर की तरफ जाऊंगा, तो मतलब ये ऐसा बन गया फॉर 500 मीटर, मतलब हाफ मेड ए परपेंडिकुलर राइट टर्न। अब ऐसे जा रहा हूं तो राइट टर्न इस तरफ लूंगा फॉर 4 किलोमीटर, तो इस तरफ 4 किलोमीटर चले गए अपन, उसके बाद स्टॉप हो गया। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। अब देखो एस सी वर्मा के अंदर अभी तक है ना डिस्प्लेसमेंट वर्ड अपन ने यूज नहीं करा, बट तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का स्ट्रेट लाइन जो भी डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, इसलिए अपन को डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी और मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा। तो कौन कौन से वेक्टर है, हॉरिजॉन्टल में 2 है और 4 है, तो अगर मैं यहां से लेके और यहां तक का एक स्ट्रेट लाइन वेक्टर बनाता हूँ, ये वाला वेक्टर, तो इसका हॉरिजॉन्टल लेंथ कितना होगा 2 + 4 = 6, और वर्टिकल लेंथ कितना होगा, वर्टिकल लेंथ होगा हाफ, वर्टिकल लेंथ कितना होगा हाफ, ये लेंथ कितना होगा हाफ। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना मेरा, इसको ए पॉइंट बोल लो, इसको बी पॉइंट बोल दो, तो ये जो ए बी बना, ये बी है ये ए है, ये ऐसा वेक्टर होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 6 और ये कितना है हाफ। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ 6² + ½², तो वो लगभग 6.02 के आसपास आ रहा है। और एंगल कैसे निकालोगे, दिस एंगल थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ हाफ अपॉन 6, मतलब 1/12, टेन इनवर्स ऑफ हाफ अपॉन 6 मतलब कि 1/12। अब क्वेश्चन नंबर 8 में ना वेक्टर्स नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 पता नहीं बहुत बच्चे पूछते हैं मुझसे, पता नहीं क्यों पूछते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिक क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, पता नहीं बच्चे कितनी बार पूछ चुके हैं। कैरम बोर्ड अपने पास, कैरम बोर्ड 4x4 का कैरम बोर्ड अपने पास, तो 4 फुट, ये भी 4 फुट है और ये भी 4 फुट है, क्वीन रखिए सेंटर पे है ना, रानी तो पप्पा की, एमबीबीएस देखिए मुन्ना भाई एमबीबीएस, रानी तो पप्पा की है ना। द क्यून हिट बाय द स्ट्राइकर मूव्स टू द फ्रंट एज, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहां से हिट कर रहा हूँ इसको, किसी एंगल पे हिट करा मैंने, फिर आगे गई एंड गोज इन द होल बिहाइंड द स्ट्राइकिंग लाइन, जो जो मैंने स्ट्राइकिंग लाइन है थोड़ी ऊपर होती है, यहां होल में गई, तो जैसे ऐसे जाके ऐसे गई ना, टेढ़ी नहीं, पाउडर नहीं है ज्यादा इसके अंदर, स्ट्रेट चले गई, ठीक है। तो ये एक तो ऐसा कुछ है। अब क्या पूछा, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्वीन फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज, तो एक पॉइंट ये ले लो ए, इस पॉइंट को ओ बोल दो, तो एक तो ओ ए निकालना है हमको, ओ ए निकालना है वेक्टर है ना, फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल, ये जो फ्रंट एज है यहां से लेके बी तक निकालना है, मतलब ओ बी निकालना है, और फ्रॉम द सेंटर टू द होल मतलब ओ ओ बी नहीं ए बी निकालना है, और तीसरा क्या है कि ओ बी निकालना है, तो तीन चीज निकालनी है, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन निकालनी है, ये तीनों चीजें हमको निकालनी है। अब पहले तो इसमें ना कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि पहले तो देखो ये सेंटर है तो ये 2 है, अब अगर हमको ये और पता पड़ जाए कि ये कितना है, और तो अपन ये तो निकाल लेंगे क्योंकि ये तो 2 पता पड़ गया, लेकिन ये और पता पड़ जाए तो ये निकाल लेंगे अपन। अब यहाँ बच्चों को दिक्कत आ जाती है हमेशा कि सर ये कैसे निकालेंगे कि ये डिस्टेंस कितना है, और फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये 4 है लेकिन ये और पता अपन को करना पड़ेगा, तो मैं थोड़ी सी लाइंस बना देता हूँ, एक लाइन ये बना देता हूँ मैं जिससे पूरा की पूरा अपन इसको बना दें, एक लाइन यहाँ बनाई थी मैंने, ये ऐसा है थोड़ी सी है ना शेडेड है, ठीक है ये लाइन बना दी मैंने, इसको नीचे तक ले जाता हूँ। तो अब इसमें एक ऐसी चीज लगाई लगाई गई है, लगाई जाएगी, जिसको तुम सब जानते हो, लेकिन अब फिजिक्स में दिक्कत क्या होती है कि फिजिक्स में हमको कुछ सोचना पड़ता है कि और क्या चीज हमको पता है जो हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें हमको क्या पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा, फिगर में बराबर नहीं दिख रहे, बट एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमको लगाना पड़ेगा, क्योंकि इनको तुमको पता होगा ऐसे जाके एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम लगाएंगे इसके अंदर, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लगाओगे तो क्या आएगा, देखो मैं दो ट्राइंगल्स की बात करूंगा अब यहाँ पे, एक ये वाला ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल, तो क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं कि नहीं है, दिखने में नहीं लग रहे, ये पतला लग रहा है मोटा लग रहा है, बट ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल 90 है और ये एंगल 90 है, अब तुमने सिमिलर ट्राइंगल से पढ़ा हुआ है, इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा, और सिमिलर ट्राइंगल्स की बात क्या होती है कि जो अपोजिट साइड्स होती है या फिर जो
क्या ही बोले उसको, जो साइड्स होती हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, उनका रेशियो सेम आता है। मतलब अगर मैं करूं इस ट्राइंगल के अंदर दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस होल अपॉन दिस थिंग, ये बात समझ में। एक ट्राइंगल है छोटा वाला, एक ट्राइंगल है लंबा वाला, दोनों के अंदर ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो ये एक्स मान लेते हैं यहां तक का, और ये अपन वाई मान लेते हैं। तो इस ट्राइंगल का जो नीचे वाला है वो एक्स है, इस ट्राइंगल का जो ये है वाई है। अच्छा हाइट तो मुझे पता है इसकी दो है, ये दो है, और इसकी हाइट कितनी है, फोर है। तो एक बार एक्स और वाई ही तो निकालना है अपन को, ये और यही तो निकालना है अपन को। तो मुझे पता है एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू टू अपॉन फोर, मतलब एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू टू अपॉन फोर है, मतलब एक्स और वाई के बीच में रेशियो कितना हो गया, एक्स इज टू वाई, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू टू अपॉन फोर, मतलब कि हाफ। लेकिन मेरे को ये पता है कि एक्स और वाई मिला के कितना बन रहा है, ये और ये मिला के कितना बन रहा है, ये और ये मिला के बन रहा है टू, बिकॉज यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है टू। तो एक्स और वाई कितना बन गया, एक्स प्लस वाई कितना बन रहा है, टू बन रहा है, और एक्स और वाई का रेशियो कितना है, हाफ है। मतलब एक्स कितना आ जाएगा अपने पास 2/3, और ये आ जाएगा 4/3। देखो क्योंकि दोनों मिला के कितना बन रहा है, 6/3 मतलब 2, और दोनों का रेशियो कितना है, हाफ, 1:2। तो 2/3 आ गया 4/3, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ गया 2/3, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ गया 4/3। ठीक है, तो अब ये तुम इसमें भी फिजिक्स नहीं पढ़ रहे अपन, बट फिजिक्स के अंदर का एक कंसेप्ट अपन ने यूज करा जो ब्यूटीफुल कंसेप्ट होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ओए निकालना है तो ओए कितना जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2/3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ओए कितना जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2/3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। फिर अपन क्या निकालना है, ओ भी निकाल, ए भी निकालना है। तो ए भी कितना जाएगा, ये लाइन, तो इसका हाइट कितना है 4, ये कितना है 4/3। तो ए भी कितना हो जाएगा, ए भी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4/3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। फिर ओ भी निकालना है, तो ओ भी निकालने के लिए कर लो, ये डिस्टेंस कितना है, ये तो ओ भी तो पता ही ना, सिंपल है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। तो ओ भी कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब ओ भी कितना आ जाएगा अपने पास 2√2। ओ भी तो 2√2 है, इनको कैलकुलेट कर लेना, देखो आंसर आ जाएंगे। ओ ए का आंसर कितना दे रखा है, पीछे 2/3√10 दे रखा है, √10 आ जाएगा, 3 3 6, 2 स्क्वायर बाहर निकाल, 2 बाहर आ गया, कर लेना बाकी चीज़ यार, है ना, इतना बड़ा कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट मैंने समझाई दिया पूरा पूरा, ठीक है ना। तो ये फंडा है। अगला जो नाइन्थ क्वेश्चन है वो भी थोड़ा सा क्या है कि वो भी थोड़ा सा उसमें भी थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, उसमें कोई नया लॉ नहीं है, बस इमेजिन करना पड़ेगा। तुम इमेजिन कर पाओगे 3D के अंदर तो हो जाएगा, इमेजिन नहीं कर पाओगे तो भी मैं करवाने की कोशिश करता हूँ। ए मॉस्किटो नेट ओवर ए 7 फुट × 3 फुट का बेड है, एक बेड है 7 फुट का, मतलब किंग साइज बेड है, मतलब 7 फुट का, मतलब कि काफ़ी लंबा चौड़ा बेड है, आगे तक 4 फिट का बेड है, इस 3 फिट हाई। तो मैं इस पूरी चीज को बोर्ड पे नहीं बना सकता, मैं इस पूरी चीज को दिखा सकता हूँ कि ये 7 फुट है, ये 4 फुट है, और ये 3 फुट है, ठीक है ना। कोशिश करता हूँ मैं बनाने की। तो एक बेड है, ऐसे एक बेड है, इसका डायमेंशन है 4 फिट, ये डायमेंशन है 7 फिट, इसके ऐसे पाए लगे हुए हैं, ये अपनी फ्लोर है ना, ये अपना रूम है कोई, इसमें बैठ। अब ये हो गया, लेकिन इसके ऊपर एक मॉस्किटो नेट है जो कि 3 फुट ऊपर जा रहा है सब जगह से, ठीक है ना। तो ये जो है ये मॉस्किटो नेट है पूरा पूरा, ठीक है, समझ में आ रही है बात। और मॉस्किटो नेट का जो हाइट है वो 3 फुट है, 3 फुट, ठीक है ना। तो एक क्यूबॉइड बन रहा है, मॉस्किटो नेट का क्यूबॉइड बन जाता है ना ऊपर, 7 × 4 × 3 का क्यूबॉइड बन रहा है। द नेट हैज ए होल एट द कॉर्नर ऑफ द बेड थ्रू विच अ मॉस्किटो एंटर, अब कोने में से आ गया मॉस्किटो, है ना, पीछा नहीं छोड़ते, आ ही जाते हैं। इट फ्लाइज एंड सिट्स एट द डायगोनली अपोजिट अपर कॉर्नर ऑफ द नेट, इमेजिन कर पा रहे हो, इट फ्लाइज एंड सिट्स एट द डायगोनली अपोजिट डायगोनली अपोजिट कॉर्नर। डायगोनली अपोजिट कॉर्नर कौन सा होता है कि कोई भी रूम है उसका अगर ये एक कॉर्नर मैंने ये पकड़ा नीचे वाला, तो डायगोनली अपोजिट मतलब जो डायगोनली अपोजिट बन रहा है। तो मान लो यहाँ से एंटर करा तो यहाँ जाके बैठ जाएगा, डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पे जाके बैठ जाएगा।
अब पूछा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैग। तुमको पता है डायगोनल जो भी होता है वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर तो पता है 5 का स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बन जाएगा, मतलब रूट ऑफ 7 7 49 प्लस 5 25। 9 प्लस 5 कितना बन गया 4, ये बन गया रूट ऑफ 74। 4 5 6 7 74 आंसर है, रूट ऑफ 74, रूट ऑफ 74 वो आंसर है। अगला क्या है, टेकिंग द होल एज ओरिजन, तो इसको ओरिजन मान लेते हैं। द लेंथ ऑफ द बेड इज द एक्स एक्सिस, लेंथ को एक्स एक्सिस मानना पड़ेगा, तो लेंथ कौन सी है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। विड्थ वाई एक्सिस, इसको वाई एक्सिस मान लो, एंड वर्टिकली अपैट जेड। अब वर्टिकली अब देखना पड़ेगा डायरेक्शन कौन सी, एक्स क्रॉस वाई ऊपर की तरफ है, तो वर्टिकली एक्स जेड एक्सिस ये वाली आ जाएगी। राइट द कंपोनेंट्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो अपन को पता है एक्स में कितना ट्रैवल हुआ है 7, तो एक्स कंपोनेंट क्या होगा 7, वाई कंपोनेंट क्या होगा इस तरफ है तो वाई कंपोनेंट क्या होगा, अच्छा इसको ओरिजन माना है ना, सॉरी तो यहां से बनानी है सारी चीज, आई एम वेरी वेरी सॉरी, इसको ओरिजन माना है तो एक्स ये वाला आएगा, वाई ये वाला आएगा, और एक्स प्लस वाई जेड, दिक्कत हो जाएगी यार फिर तो ये। लेकिन इसमें शायद डायरेक्शन का इतना ध्यान इन्होंने दिया नहीं होगा। हाँ तो 7 फुट 4 फुट और 3 फुट इसमें दे रखा है, ठीक है ना, माइनस नेगेटिव नहीं बोलेंगे ना, कि कंपोनेंट्स की बात की तो कंपोनेंट को पॉजिटिव बोल दिया कि तीनों डायरेक्शन अपने चूज कर लिया, ऐसा कॉर्नर ही चूज कर लिया, ऐसा हर कॉर्नर के साथ वैलिड नहीं हुआ ये, क्योंकि एक्स और वाई अगर ये बनाएंगे तो जेड फिर नीचे आएगा, वो मतलब मैं समझा चुका हूँ, तो हर कॉर्नर के साथ वैलिड नहीं होगा, लेकिन कॉर्नर अपने ऐसा चूज कर लिया कि जिससे वो अपना ट्राइंग मतलब पूरा सेट हो रहा है, तो एक्चुअली इस प्रॉब्लम में थोड़ी सी ये दिक्कत है, समझ गए ना क्या दिक्कत है, कि अगर मैं इसको कॉर्नर चूज करता हूँ, ये मेरा वाई है मान लो, वो मेरा एक्स है, तो फिर मेरा एक्स क्रॉस वाई जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है जेड, तो जो जेड कंपोनेंट है वो -3 आ रहा है एक्चुअली में, जबकि इसमें आंसर 3 दे रखा है, तो कॉर्नर भी अप्रोप्रिएटली चूज करना पड़ा, बट उसको भूल जाओ नेगेटिव है, इतना याद रख लो कि हाँ भाई पॉजिटिव मान के अपन काम करते हैं अभी, ठीक है ठीक है। 10th क्वेश्चन देखते हैं, तो एक वेक्टर है जिसका 4.5 यूनिट नॉर्थ की तरफ है, तो 3a क्या होगा, 3a वेक्टर होगा उसी तरफ, नॉर्थ की तरफ ही वेक्टर है, और 3 टाइम्स इसका हो जाएगा, -4a क्या होगा 4 टाइम्स वेक्टर है, और साउथ की तरफ होगा वेक्टर। 11 देखते हैं, टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 2 मीटर 3 मीटर, एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, तो एक 2 मीटर का वेक्टर है, 3 मीटर का एंगल 60 डिग्री है, स्केलर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो स्केलर कितना होता है a into b into cos of 60, तो फर्स्ट आंसर क्या होगा 2 into 3 into cos 60 कितना होता है हाफ, मतलब 3 आ गया, और सेकंड क्या है वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है मतलब क्रॉस, तो कितना होगा 2 into 3 into sin of 60, तो sin 60 कितना होता है √3/2, 2 into 3 into √3/2 मतलब 3 √3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ये आंसर है, ठीक है 3 √3 आंसर हो गया। ठीक है आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, अब इसमें एक साथ 6 वेक्टर दे रखे हैं, लेट ए वन ए टू ए थ्री, ये पूरा एक रेगुलर हेक्सागन है, राइट द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय द 6 साइड्स टेकन इन ऑर्डर, मतलब ए वन का जो वेक्टर है वो भी तुमको लिखना है, ए टू का वेक्टर है वो भी तुमको लिखना है, ए थ्री का भी लिखना है, ए फोर सबका लिखना है, यूज द सेट। अब देखो कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये, कि मैथमेटिक्स में 11th क्लास में जो बच्चे प्रूफ करने में जिनको वॉट लग जाती है वो कितना ही ब्यूटीफुली प्रूफ कर पा रहे हैं इस चीज को। वो यूज द फैक्ट दैट द रिजल्टेंट ऑफ दिस 6 वेक्टर इज 0 टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 0, यूज द नोन कोसाइन वैल्यूज टू वेरीफाई द रिजल्ट, इसमें तो कोसाइन हम यूज करेंगे वेरीफाई करने के लिए, लेकिन मैं मैथमेटिक्स के जो बच्चे उनके लिए एक और है ना बढ़िया क्वेश्चन बताऊंगा इसमें से सोच के थोड़ा सा, क्योंकि मैंने तो मैथमेटिक्स को ऐसे ही करा था, ट्रिग्नोमेट्री को वेक्टर्स के तरह से सोच के करा था, तो पहले तो अपन लिख लेते हैं, जैसे अब ए वन को क्या लिख दोगे तुम, इसका साइड कितना दे रखा है, ए मान लो इसका साइड, तो ए वन ए टू क्या लिख लोगे तुम, ए वन ए टू वेक्टर को क्या लिख दोगे तुम, ए वन ए टू हो जाएगा अपने पास ए आई कैप, फिर ए टू ए थ्री क्या लिख दोगे, ए कॉस 60 आई कैप प्लस ए साइन 60 जे कैप, फिर ए थ्री ए फोर क्या लिख दोगे, अब ए थ्री ए फोर का एंगल कितना है एक्स के साथ, 60 तो ऑलरेडी रोटेट हो चुका था यहाँ तक, और फिर 60 और रोटेट कर गया, मतलब एक्स के साथ जो एंगल रोटेशन है वो 60 हुआ, फिर और 60 हो गया, मतलब कितना रोटेशन हो गया टोटल 120 का, तो ये बन गया ए कॉस 120 आई कैप
प्लस ए साइन 120 जे कैन। ऐसे ही फिर ए फोर ए फाइव में क्या होगा, 60 रोटेट प्लस 60 रोटेट प्लस 60 मतलब 180 रोटेट। तुम देख भी रहे हो 180 रोटेट होके उल्टा हो गया। तो इसमें होता क्या जाएगा कि यहाँ पे 180 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट वाले वेक्टर में 180 प्लस 210 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट वाले में 210 प्लस तो 240 आ जाएगा, और फिर लास्ट में तो वो वेक्टर आ ही जाएगा जो अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 छह टर्म्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स आएंगे कॉस ऑफ। अच्छा ये क्या होगा, ए कॉस 0 आई क्या प्लस ए साइन 0 जे कैप होगा, ठीक है ना, ये भी हो जाएगा साइन 0। फिर कॉस 60 के 60 मतलब होता है पाई बाय 3, देखो पाई बाय 3 लिख दिया उन्होंने 2। तो ये एक्चुअली क्या है, अगर मैं सब सबको ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आई कैप में क्या बन जाएगा, मेरे पास आई कैप में बन जाएगा ये वाला जो टर्म दे रखा है, प्लस ऐसे जे कैप में क्या बन जाएगा, साइन वाले टर्म्स बन जाएंगे बट एंगल सेम रहेंगे। अब इन सब का एडिशन जीरो क्यों है, बिकॉज तुम सोचो सिंपल फंडा जो मैंने वेक्टर्स का एडिशन बताया था, मैं यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ गया फिर यहाँ गया यहाँ गया यहाँ गया, किसी ने अगर पूरा प्रोसेस नहीं देखा वो क्या बोलेगा, सर आप तो पहले भी ए वन पे थे बाद में भी ए वन पे हो, तो उसके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। डिस्प्लेसमेंट को ऐसा समझा करो कि किसी ने भी ट्रेवल करते हुए नहीं देखा इंसान को, उसने देखा इनिशियल पोजिशन क्या थी, ए वन, फाइनल ए वन। तो जब भी कोई वैक्टर, इसको बोलते हैं हेक्सागन या पॉलीगन लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन, कि अगर तुम वेक्टर कंप्लीट कर करके ऑर्डर में पूरा पॉलीगन कंप्लीट कर दो तो वेक्टर का जो सम होता है वो जीरो हो जाएगा, दिखता भी है अपन को। लेकिन जीरो हो जाएगा मतलब आई कैप में भी जीरो जे कैप में भी जीरो, इसका मतलब ये वाला टर्म भी जीरो होगा ये वाला टर्म, इसका मतलब कॉस का तो जीरो होगा ही होगा। साथ में अपन ने क्या पाया कि साइन ऑफ जीरो प्लस साइन ऑफ पाई बाय थ्री प्लस साइन ऑफ दिस प्लस साइन ऑफ दिस ये भी जीरो होगा। ये चीज समझ में आई गई होगी तुमको पूरा की पूरा, इसका वो समझ में आ गया होगा। लेकिन अब मैं जो बताने वाला हूँ मैथमेटिक्स से कुछ शॉर्टकट्स बताने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री के। जैसे मान लो तुमसे पूछे, पहले तो 360 को अपन डिवाइड कर देते हैं, मान लो 360 डिग्री है उसको, या फिर 2 पाई है उसको 2 पाई अपॉन 7 में एक बार 7 में अपन डिवाइड, 7 में डिवाइड क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 7 में डिवाइड कर रहा हूँ तो कितने वेक्टर्स बना सकता हूँ, देखो मैं 2 पाई अपॉन 7 के पहले सेवन, चलो पहले अपन इवन नंबर में डिवाइड करते हैं जिससे तुम देख पाओ कि मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली। तो अपन 360 को डिवाइड कर देते हैं, मान लो 36 बार डिवाइड कर देते हैं, तो हर एक कितना आ गया अपने पास, 10 डिग्री आ गया। मतलब अगर मैं कॉस ऑफ 0 से चालू करूं प्लस कॉस ऑफ 10 लिखूं प्लस कॉस ऑफ 20 लिखूं और यहां से पहुंच के मैं कॉस ऑफ 360 तक पहुंच जाऊं, कॉस ऑफ 360 नहीं आएगा लास्ट में, कॉस ऑफ 340 लेंगे क्योंकि 360 मतलब 0 तो अपन ले ही चले, तो इसका आंसर भी 0 आएगा। और साइन वाला पूरा टर्म जो होगा उसका आंसर भी क्या आएगा, 0 आएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। इससे मैं वो सब भी निकाल सकता हूँ जो पूरा पूरा एंड तक नहीं जा रहा लेकिन है ना, तो करना है कि नहीं करना वो देख लो। जैसे मान लो कॉस ऑफ पाई बाय 7, पता नहीं मुझे 7 क्यों याद आ रहा है, शायद मुझे 7 में सबसे बड़ी दिक्कत आती थी, कॉस ऑफ 2 पाई बाय 7 प्लस कॉस ऑफ 4 पाई बाय 7 ऐसे सवाल तुमने देखे होंगे मैथमेटिक्स के अंदर, कॉस ऑफ 6 पाई बाय 7। तो एक बार निकालने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है। तो देखो 2 पाई बाय 7 को अगर मैं 7 बार बनाता हूँ तो ये 1 बनेगा, 7 बार बना, 8 से थोड़ा कम बना रहा हूँ, मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 है, हर एक के बीच में एंगल कितना है 2 पाई बाय 7 एंगल है हर एक के बीच में 2 पाई बाय 7। तो कॉस ऑफ 2 पाई बाय 7 प्लस 4 पाई बाय 7 प्लस 6 पाई बाय 7 प्लस कॉस ऑफ 8 पाई बाय 7 प्लस कॉस ऑफ 10 पाई बाय 7 प्लस कॉस ऑफ 12 पाई बाय 7 कितने हो गए, 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 6 ही हुए। अच्छा कॉस ऑफ 0 भी, कॉस ऑफ 0 ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। लेकिन अगर कोई तुमसे ये पूछे कि कॉस ऑफ 2 पाई बाय 7 प्लस कॉस ऑफ 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई कॉस ऑफ 12 पाई बाय 7 तो ये किसके बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका एडिशन कॉस ऑफ 0 के साथ कितना आ रहा था, -1 आ रहा था, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, बाकी के टर्म माइनस ऑफ कॉस 0 मतलब कि -1। तो ऐसे भी हम कुछ सवालों को करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, इसको तुम फॉर्मूला से तो कर ही सकते हो लेकिन फॉर्मूला से कितना बड़ा पड़ेगा। तो सोच रहे हो कि वेक्टर्स का काम हमने क्या लिया, ये तुम करोगे वेक्टर्स इन 3D में 12th के एंड में, कि वेक्टर्स का हमने कितना अच्छा काम कर दिया कि वेक्टर्स से हम ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे हैं आज। आज कॉस ऑफ 2 पाई 4 पाई कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला 4 थीटा का फॉर्मूला बिना यूज करे मैंने डायरेक्टली इस पूरे टर्म की वैल्यू बता दी, -1 आ गई है
है ना। तो अब इसको कुछ लोग ट्रिक बोल देंगे, कुछ लोग पता नहीं क्या बोल देंगे, कुछ लोग ये बोलते हैं कि मेरे को ऐसी ऐसी चीजें पता है जो किसी को नहीं पता। कोई दिक्कत नहीं, जितना तुम पढ़ोगे उतनी चीज तुमको खुद को पता पड़ती जाएगी, ठीक है ना। 13 देखते हैं, 13 ये दे रखा है, ये दे रखा है, एंगल निकालना है दोनों के बीच में। तो एंगल निकाल देना, तुम कैसे करोगे, ए डॉट बी अपॉन ए बी, कॉस ऑफ थीटा को लिख दोगे ए डॉट बी अपॉन ए बी, मैं करवा चुका हूँ पीछे। 14 देखते हैं, प्रूव दैट ए डॉट ए क्रॉस बी, ए डॉट ए क्रॉस बी मतलब डॉट है अंदर क्रॉस उसी के साथ है, वो जीरो है, कैसे प्रूव करेंगे देखो। ए क्रॉस बी जैसे मान लो कोई भी वेक्टर ले लो ए, कोई भी वेक्टर ले लो बी, दो वेक्टर्स को हमेशा मैं एक प्लेन में तो बना ही सकता हूँ कहीं भी हो, है ना। जैसे अगर तुम बोलोगे से नहीं जरूरी नहीं है ऐसा, जैसे मान लो सर एक वेक्टर ऐसा है दूसरा वेक्टर उस तरफ है, तो भी तो ये प्लेन बना दिया मैंने। तुम बोलो एक वेक्टर ऐसा है दूसरा वेक्टर उस टेढ़ा है, तो भी तो मैं इस प्लेन में बना दूंगा उन दोनों वेक्टर्स को, है ना, इन इस प्लेन में बना दूंगा। तो हमेशा मैं दो वेक्टर्स को एक प्लेन में बना ही सकता हूँ, तो ए और बी तो मैंने एक प्लेन में बना दिए। अब ए क्रॉस बी क्या आएगा, इसके बाहर आएगा, मतलब ए क्रॉस बी जो आएगा वो क्या होगा, डॉट आएगा, डॉट मतलब बाहर, और ए जो है वो तो इस प्लेन में है। तो ए और इस डॉट के बीच में क्या एंगल है, ए डॉट क्या है, ए क्रॉस बी, इसको सी बोल दो चाहे तो ये सी है, तो ये जो सी है ये ऊपर बाहर आ रहा है, ए तो इसी प्लेन में, तो बोर्ड पे कोई भी वेक्टर बनाओ उसका जो बाहर आ रहा है वेक्टर उसके साथ एंगल 90 बनेगा ना। जैसे अगर मैं इसके साथ एंगल बनाऊंगा तो 90 डिग्री है, इसके साथ एंगल बनाऊंगा तो 90 डिग्री है, बोर्ड पे है ना, बुक है ये, इस बुक के ऊपर कुछ भी ऐसे बना दो वर्टिकल लाइन, तो जो भी मैं लाइन बनाऊंगा बुक के ऊपर उसके साथ एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो इसको बोर्ड बना दो, जो भी मैं लाइन यहाँ बनाऊंगा उसका इसके साथ जो एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा। तो इसलिए क्या हो गया कि ये वाला वेक्टर इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ए इज परपेंडिकुलर टू सी, और दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो डॉट होता है वो जीरो होता है। क्यों होता है, बिकॉज डॉट का मतलब क्या होता है, तो ए डॉट सी क्या हो जाएगा, ए इंटू सी इंटू कॉस ऑफ 90, कॉस 90 कितना होता है, जीरो होता है। तो इसलिए ए डॉट ए क्रॉस बी कितना बन जाएगा हमारे पास, हमेशा हमेशा हमारे पास बन जाएगा ए डॉट ए क्रॉस बी जीरो के बराबर। समझ पा रहे हो चीजों को, समझ पा रहे हो। जैसे अगर मुझे दे रखा है 4i कैप क्रॉस 5j कैप माइनस k कैप प्लस i कैप, तो तुम करने बैठो इसको पूरा सॉल्व, उससे पहले मैं बता दूंगा यहाँ पे 4i कैप और यहाँ पे 4i कैप है, तो आंसर कितना आ गया, जीरो। एक्चुअली जब तुम मैथमेटिक्स में पढ़ते हो ना बाद में, तो कोई भी ऐसा होता है ए डॉट, यहाँ बड़ा ही बना दो, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये एक्चुअली वॉल्यूम होता है, किसका वॉल्यूम होता है, ये वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपिपोइड, पैरेललोपिपोइड पैरेललोग्राम समझते हो, 2D में होता है, 2D को ही तुम 3D में ले जाओ, पैरेललोपिपोइड मतलब तीन वेक्टर बनाए अपन ने, ए वेक्टर बी क्यूबॉइड बनाते हैं, तो ये मान लो क्यूबॉइड तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो गए, बट पैरेललोपिपोइड में जरूरी है वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो। तो ये वॉल्यूम होता है किस पैरेललोपिपोइड का, जिसकी साइड्स ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर है। तो अगर दो साइड्स को सेम रख दिया दो, तो पैरेललोपिपोइड बनेगा ही नहीं, और पैडलो इसको समझ में आया तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, 12th के एंड में पढ़ते हैं। पैडलोपिपोइड नहीं बनेगा इसका मतलब वॉल्यूम भी जीरो हो जाएगा भाई। पैडलोपिपोइड बनाने के लिए तीन साइड चाहिए, तीन अलग अलग डायरेक्शन, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ। अब दो वेक्टर्स को सेम ले लिया तो 2D में बनेगा, तो 2D में वॉल्यूम निकलता नहीं है। तो ऐसे भी मैं याद रख लेता हूँ कि ए डॉट ए क्रॉस सी कितना बन जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि इसका कोई पैरेललोपिपोइड, या तुम क्यूबॉइड के टर्म्स में समझ लो, क्या तुम 4i 4i और 5j, इसको 5j मान लो, इसके साथ एक क्यूबॉइड बना सकते हो क्या, नहीं ना। क्यूबॉइड बनाने के लिए तुमको एक i में चाहिए, एक j में चाहिए, एक k में चाहिए, तभी उसका वॉल्यूम निकलेगा। अगर तुम इसका और इसका वॉल्यूम निकालना चाहते हो कि 4i 4i और 5j का क्यूबॉइड बनाया मैंने, अगर क्यूबॉइड बनेगा ही नहीं तो वॉल्यूम कहाँ से निकलेगा। तो इसलिए इसका वॉल्यूम कहता है जीरो, और वैसे तो तुम समझ ही पकड़ होंगे, है ना। ए क्रॉस भी निकालना है, तो ए क्रॉस भी निकालना मैंने सिखाई दिया है ना, वापस से सेम सवाल करेंगे नहीं अपन। नेक्स्ट देखते हैं, ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो शो दैट सी क्रॉस ए क्रॉस बी जीरो है। तो सी क्रॉस ए क्रॉस बी जीरो क्यों होगा, क्योंकि ए बी सी परपेंडिकुलर है। तो अब ए क्रॉस बी जो होगा वो सी के अलॉन्ग होगा, ए क्रॉस बी जो होगा वो किसके अलॉन्ग होगा, क्योंकि ए और बी और सी परपेंडिकुलर है ना, तो ए क्रॉस बी सी के अलॉन्ग होगा। क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी ए और बी से परपेंडिकुलर कौन है, सी। तो ए क्रॉस बी किसके किसके अलॉन्ग होगा, सी के अलॉन्ग। तो सी क्रॉस सी के अलॉन्ग एक वैक्टर, सी क्रॉस सी के अलॉन्ग एक वेक्टर, मतलब दोनों वेक्टर्स के बीच में क्या एंगल होगा, सी और ए क्रॉस बी के बीच में एंगल जीरो डिग्री, क्योंकि ए क्रॉस बी किसके अलॉन्ग है, सी के अलॉन्ग है, लैम्डा सी लिख सकते हो उसको। तो सी और लैम्डा सी का जो क्रॉस होगा वो तो जीरो होगा ना, बिकॉज दोनों के बीच में एंगल जीरो के बराबर है। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं,
ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए गिवन स्ट्रेट लाइन। अच्छा ये सब नहीं समझ में आ रहा हो, ये सब अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो इस तरह डीप में जाना नहीं है। वेक्टर्स तो ये फालतू में सवाल दे रखे हैं इसलिए करवा रहा हूँ मैं, इतना डीप में करवाता नहीं हूँ, कोई जरूरत भी नहीं होती उसकी। क्वेश्चन नंबर 17, ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए गिवन स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड वी एट अ सर्टेन टाइम इट्स पॉइंट ऑन द ऑर्डिनल। ठीक है, ए पार्टिकल मूव ऑन ए गिवन स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है उससे पार्टिकल वी स्पीड से जा रहा है, एट अ सर्टेन टाइम इट इज एट पॉइंट पी, किसी पर्टिकुलर टाइम पे पॉइंट पी पे है वो, ओ इज ए फिक्स पॉइंट, ओ कोई तो फिक्स पॉइंट है, ओ को ऑन द लाइन है क्या पॉइंट, ओ इज ए ओ कोई भी पॉइंट है, यहां मान लो ओ को, ओ ये पॉइंट है। सो दैट ओपी क्रॉस वी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजिशन पी, तो ओपी बन जाएगा ये वेक्टर, ओपी वेक्टर, और ये वी है। तो मान लो पार्टिकल यहां है, यहां है, यहां है, ये बोलना चाहता है कि ओपी क्रॉस वी जो है वो इंडिपेंडेंट है पी का, पी कहीं भी पकड़ लो, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि वी तो सेम रहेगा और पी को कहीं भी पकड़ लो, है ना, मतलब ये बोलना चाहता है पी यहां पकड़ते या फिर पी को यहां पकड़ते, इसको भी पी बोल दो, या फिर पी को यहां पकड़ते, कहीं भी पकड़ते, तो जो ओपी क्रॉस वी की वैल्यू आती वो इंडिपेंडेंट ऑफ वी आती, ठीक है ना। तो मैं एक जगह पकड़ लेता हूँ कहीं पे, पहले तो मैं इसको स्ट्रेट बना देता हूँ लाइन को, ओ पॉइंट को यहाँ ले लो कहीं भी, और इस पे पी को कहीं भी पकड़ लो, जैसे ये है और पी को मान लो तुम अपनी यहाँ पकड़ लो, पी को किसी भी एंगल पे पकड़ लो, कोई जरूरत नहीं है किसी पर्टिकुलर एंगल चूज करने की, ठीक है ना। ये वी है और पी को कहीं भी पकड़ लो, ओ को भी कहीं भी बना दो। अब ये बोल रहे हैं ओपी क्रॉस वी का जो वैल्यू आएगा वो कॉन्स्टेंट आएगा, कितनी बड़ी बात है, और ये बात तुम काम में लोगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में बाद में, तो मैं ये प्रूफ है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। तो एस सी वी की ये बात भी मेरे को अच्छी लगी कि जैसे यहाँ पे तुम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हो, तुम ट्वेल्थ में पढ़ोगे, लेकिन जो भी वहाँ पे वेक्टर्स का साइन आएगा वो ऑलरेडी वो डिस्कस कर चुके कर रहे हैं। तो ओपी क्रॉस वी निकालते हैं एक बार, ओपी क्रॉस वी कितना होगा, तो ओपी क्रॉस वी कितना होगा, ओपी क्रॉस वी होगा ओपी इंटू वी इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप, एन कैप तो इसके बाहर मान लो, ओपी क्रॉस वी जो एन कैप बाहर मान लो, अपन मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ओपी इंटू वी इंटू साइन ऑफ थीटा। अब वी कॉन्स्टेंट है इसके अंदर, है ना, कॉन्स्टेंट स्पीड वी, तो वी कॉन्स्टेंट है, बचा क्या ओपी साइन थीटा। अगर इसके क्रॉस को मुझे कॉन्स्टेंट रखना है, मतलब ओपी इंटू साइन थीटा को कॉन्स्टेंट, अब ओपी इंटू साइन थीटा देखते हैं, साइन थीटा क्या होगा पहली बात, तो ये दिशा ये है, ये दिशा ये है, तो ये दिशा को ऐसे मान लो, तो इन दोनों के बीच में एंगल ये बन रहा है थीटा, तो एक बार इसकी बात कर लेते हैं 180 माइनस थीटा की। इसकी क्यों कर रहा हूं, क्योंकि साइन थीटा को मैं साइन ऑफ 180 माइनस थीटा भी लिख सकता हूं, और एक बार देखते हैं ओपी इंटू साइन ऑफ 180 माइनस थीटा कितना है, ओपी इंटू साइन ऑफ 180 माइनस थीटा कितना है वो अपन देख लेते हैं एक बार। तो ये ओपी है, ये डिस्टेंस कितना है, ओपी के बराबर है, ओ पी के बराबर डिस्टेंस है। अगर मैं यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो ये एंगल 180 माइनस थीटा है, तो ओपी इंटू साइन ऑफ थीटा कितना है, इस पॉइंट को नाम दे दो ओ अगली बार ओ ए नाम दे दो, तो ओपी कितना भी हो, थीटा कितना भी हो, ओपी साइन 180 माइनस थीटा क्या बता रहा है मुझको कि ये परपेंडिकुलर है, और ये परपेंडिकुलर लेंथ हमेशा ओ ही रहेगा, चाहे से तुम पी को यहां पकड़ लो तो भी ओपी साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, चाहे से तुम पी को यहां पकड़ लो तो भी ओपी साइन थीटा का वैल्यू ये परपेंडिकुलर होगा, चाहे से तुम यहां पकड़ लो, चाहे से तुम दूर जाके कहीं पकड़ लो, चाहे से तुम वहां जाके कहीं पकड़ लो, तो भी ओपी साइन थीटा का हमेशा जो लेंथ आएगा वो ओ ए के बराबर आएगा। ये पूरी चीज क्या बन गई, ये पूरी चीज बन गई ओ ए इंटू वी इंटू एन क्या, तो ओ ए क्या है, ओ इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो तो फिक्स रहेगा ना किसी भी ओ पॉइंट के लिए, ओ एट अ सर्टेन टाइम इट इज एट अ पॉइंट पी, ओ इज ए फिक्स पॉइंट, ओ फिक्स पॉइंट है, तो किसी भी फिक्स पॉइंट के लिए ओ ए तो फिक्स रहेगा और वी फिक्स है, तो ओ ए फिक्स है, वी फिक्स है, इसलिए क्या हो गया कॉन्स्टेंट हो गया, सो दैट ओपी क्रॉस वी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजिशन पी। तो ये हमारा एक्चुअली कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है जो हम देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है वो अपन पढ़ लेंगे बाद में, काम यही करेगा चीज, है ना। दो क्वेश्चन और बचे वेक्टर्स के, क्वेश्चन नंबर 18th और क्वेश्चन नंबर 19th। मैं क्वेश्चन नंबर 19th पहले करवा देता हूँ, बिकॉज छोटा सा है, सिंपल सा लाइन है, स्वीट सा लाइन है। एक एग्जाम्पल बताओ जहां पे ए डॉट बी सी डॉट बी के बराबर है, ए डॉट बी सी डॉट बी के बराबर है, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ए डॉट बी क्या होगा, ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा वन, सी इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा टू, तो बी से बी कैंसिल कर दो, मतलब ए कॉस थीटा वन इज इक्वल टू सी कॉस थीटा टू। थीटा वन क्या है, थीटा वन इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, थीटा टू इज एंगल बिटवीन सी एंड बी, सिंपल सी बात है ना, बट ए इज नॉट इक्वल टू सी, तो ए सी के बराबर नहीं है,
क्योंकि थीटा वन थीटा टू अलग अलग है, तो एग्जाम्पल हो ही गया कि भाई ए और बी और सी और बी के बीच में जब जब ये एंगल डिफरेंट होगा तब तब ये बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। और अगर तुमको फिजिकली कोई कंडीशन देखनी है तो ऐसा बना देते हैं, बी वेक्टर बना देते हैं, क्योंकि तो कॉस लेना है ना, मतलब ऐसा बना के ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, इस वेक्टर को नाम दे दो ए, ए क्या कर रहा है तू, इस वेक्टर को नाम दे दो सी, ये वेक्टर ए वेक्टर, ये वेक्टर सी वेक्टर है, और इस वेक्टर को नाम दे दो बी, तो ये की सिचुएशन अपनी बन गई। इस सिचुएशन में ए डॉट बी अपना सी डॉट बी के बराबर है, क्यों, क्योंकि ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, इस एंगल को थीटा वन बोल दो, तो ए डॉट बी का मतलब क्या होगा, ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा वन, और ए कॉस थीटा वन कितना है, ये एक्स डिस्टेंस है, तो ये क्या बन गया एक्स इंटू बी, है ना, बी को तो आगे तक ले जाओ, बी को तो आगे तक ले जाओ, यहां तक ले जाओ बी को, बी इतना है, लेकिन यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है एक्स जो है वो ए कॉस थीटा वन के बराबर भी है, और अगर ये एंगल थीटा टू है तो वो सी कॉस थीटा टू के बराबर भी है, तो वापस से करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये कंडीशन वो कंडीशन हो गई जब ए डॉट बी और सी डॉट बी बराबर है, लेकिन ए और सी बराबर नहीं, देखो सी लंबा है ए छोटा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो तुम पढ़ोगे, जब तुम फोर्स की बात करोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम पढ़ते हैं साथ में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस मैग्नेटिज्म, तो फोर्स होता है क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी, इसको हम लोरेंट्स लोरेंट्स फोर्स बोलते हैं, लोरेंट्स। ये वाला जो कंपोनेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, और ये वाला जो कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है, है ना। तो मैंने क्यू को बाहर लिख दिया, तो सपोज ई इज अलोंग द एक्स एक्सिस, तो ई को हम मान लेते हैं ई है हमारे पास कुछ ई इंटू आई कैप, मैग्नीट्यूड इंटू आई कैप, बी इज अलोंग द वाई एक्सिस, बी को हम मान लेते हैं बी इंटू जे कैप, और क्या दे रखा है, इन वॉट डायरेक्शन एंड विद वॉट मिनिमम स्पीड शुड ए पॉजिटिवली चार्ज बी सेंट सो दैट द नेट फोर्स ऑन इट इज जीरो। तो मुझे स्पीड का वैल्यू निकालना है कि उसके ऊपर फोर्स कितना आ जाए, जीरो आ जाए, तो फोर्स कितना आ रहा है मेरे पास, फोर्स आ रहा है मेरे पास, फोर्स आ रहा है मेरे पास, इसको मैं इमेजिन भी करवाऊंगा क्यू इंटू, तो फोर्स को जीरो करना है, मतलब इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन जीरो करना पड़ेगा अपन को, फोर्स को अगर जीरो करना है तो, है ना, क्या बोल रहा है, नेट फोर्स इज जीरो, तो नेट फोर्स क्या है, ये है क्यू, तो कॉमन है, क्यू जीरो होने सकता, मतलब इस पूरी चीज को अपन को जीरो करना पड़ेगा, मतलब अपन को क्या करना पड़ेगा, ई को अपन को करना पड़ेगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी क्रॉस बी के बराबर। तो ई कितना है, ई इंटू आई कैप है, इसको करना पड़ेगा माइनस ऑफ वी, अपन कुछ मान लेते हैं वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना है, बी डॉट जे। ये बात समझ में आ गई, है ना। तो अब मुझे पूछा है कि v का वैल्यू क्या हो, तो पहली चीज तो मेरे को v को ऐसा रखना है कि उसका क्रॉस अगर मैं j के साथ करूं तो i आए, तो k आएगा v के अंदर, या तो k आएगा या माइनस k आएगा, पहले अपन ये निकाल लेते हैं k आएगा या फिर माइनस k आएगा, पहले अपन ये निकाल लेते हैं। तो माइनस लगा रखा है, तो बेसिकली इसको माइनस को इधर ले आओ, तो मैं चाहता हूं कि, तो मैं देखता हूं आई जे के बनाता हूं मैं आई जे के, और ऐसे घुमाते हैं सर्किल को, तो अगर ये k होता तो k क्रॉस j कितना होता, k क्रॉस j कितना होता, माइनस आई होता, तो आंसर k होगा माइनस k नहीं होगा। तो मुझे इतना तो पड़ गया कि, इतना तो पता पड़ गया कि वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी होगी v इज इक्वल टू समथिंग इंटू k कैप होगी, ठीक है, समथिंग इंटू k कैप होगी, और k कैप का वैल्यू कितना होगा, k कैप का वैल्यू, अब इसका वैल्यू अगर तुम निकालोगे तो v इंटू b आएगा, इसका वैल्यू ए ई है, तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, e अपॉन बी, तो e अपॉन बी इंटू के कैप, क्योंकि जब तुम e अपॉन बी इंटू के कैप करोगे b के साथ j कैप के साथ, तो b भी कैंसिल हो जाएगा, e बचेगा i कैप में माइनस के साथ, ये इसका वैसे तो ये हो गया। अब फिजिकली अगर मैं समझाऊं तुमको तो थोड़ा इमेजिन करो चीजों को, और मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो हम मान लेते हैं इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, और तुम्हारी तरफ z मान लेते हैं, ये x, ये y और ये z, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ है, मतलब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस तरफ उस पर फोर्स लग रहा होता, उस तरफ फोर्स लग रहा होता। अब मैं चाहता हूं कि v क्रॉस b मेरा ऐसा हो
कि वो फोर्स इस तरफ आ जाए, तो मेरा थंब फाइनली इस तरफ पॉइंट करना चाहिए जो मैं क्रॉस लूंगा, वी क्रॉस बी का। और बी किस तरफ है, बी वाई की तरफ है, मतलब बी ऊपर की तरफ है, और मेरे को वी क्रॉस बी करना है, तो मतलब मैं वेलोसिटी किस तरफ रखूंगा कि थंब इस तरफ आ जाए क्रॉस करने के साथ। मतलब मैं हाथों को कहां से चालू करूं कि मैं घुमाऊं उसको ऊपर तो थंब इस तरफ आ जाए, समझ पा रहे हो? वापस समझाता हूं, एक्स ये मानना, तो फोर्स जो क्यू ई है वो तो इस तरफ है, तो मेरे को ये वाला जो फोर्स चाहिए वो उस तरफ चाहिए, तभी तो नेगेटिव होगा। तो मेरे को वी क्रॉस बी इस तरफ चाहिए, मतलब जो थंब है मेरे राइट हैंड का वो इस तरफ चाहिए, और वी क्रॉस बी अगर इस तरफ होगा इसका मतलब बी, अच्छा बी किस तरफ है, बी है तुम्हारा ऊपर की तरफ, मतलब मैं हाथ को चालू करूंगा तो घुमा के ऊपर जाएगा वो, तो हाथ चालू इस तरफ करूंगा तभी तो थंब इस तरफ पॉइंट कर रहा है मेरा, तो हाथ को चालू ऐसे करना पड़ेगा तुम्हारी तरफ, मतलब के की तरफ, तो बी किस तरफ आ रहा है, के की तरफ आ रहा है, और वैल्यू तो तुम निकाल ही सकते हो। तो ये थे अपने बच्चों वेक्टर्स के सवाल, काफी लंबा लेक्चर हो गया है और मैं इसको एंड कर देता हूँ, बिकॉज जो 20th सवाल है वो एक्चुअली कैलकुलस का है, तो लेक्चर देखो 1 घंटे का हो भी गया एग्जैक्टली, तो अपन 20 क्वेश्चन से चालू करेंगे फिर कैलकुलस करना, 35 क्वेश्चन से 15-16 क्वेश्चन से वो अपन कर लेंगे, ठीक है ना? सर तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय, बाय।